प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सारा और मैं हूँ मिनाल। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शो। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ईद है और हम अकेले ही शो कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम मनाने आए हैं ईद आप सबके साथ। तो क्या आप लोग तैयार हैं हमारे साथ ईद एंजॉय करने के लिए? जी तो आ जाएं, जल्दी जल्दी आए, हमें क्यूरियोसिटी हो रही है बहुत ज्यादा। दोस्तों अभी तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज है, लेकिन सरप्राइजेस में सस्पेंस भी तो रखना है। एंजॉयमेंट की बात हो और हम ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप सबकी खुशियों और ईद की खुशियों को जगमगाने हम आए हैं चंदादारे। मगर चंदापी कहाँ है? तारे यहाँ है और चंदापी मैं यहाँ हूँ। बल्कि हम ईद के तीनों दिन होंगे आपके साथ, तो ईद की खुशियाँ आप बनाएं ज़ायका टीवी के साथ। वैसे सनी तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए? पकड़े ऐसे मारे पकड़े। नहीं अब वो दुआ के साथ भी तो आना था ना उसने, अब वो साधु ना आए दुआ के साथ, सनी हमारे साथ आएगा। और अगर ये सनी बन के आपके साथ आता तो दुआ की पिटाई लगाती। हाँ क्योंकि दुआ के लिए हो जाती। लेकिन अगर दुआ के लिए होती तो हम उसको टाइम दे देते। जी दुआ हमारी बेस्ट। नहीं मैं आप लोगों के साथ भी आऊंगा और हम अपने दोस्तों को और भी बहुत ज्यादा सरप्राइज। लेकिन अच्छी बात ही मैं अकेले होस्ट करती। तो आप सबको कैसा लग रहा है हमारे सेट पे आके? सोबा मुबारे के बच्चे भी हैं, चंदा तारे के भी और साथ ही साथ बाबूजी बच्चे के भी। आज तो हमने आपको अपने घर में बुलाया है, तो आपको हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है? आप सबसे ज्यादा प्यारा घर। आज इधर हर डेकोरेशन हुई है। आज अच्छा क्यों नहीं लगना था, मैं जो आया हूँ। नहीं हमने अपने घर को जी जान लगा के डेकोरेट किया है। हमने चिंटू से तो पूछा ही नहीं, आज तो कोई गड़बड़ नहीं करने वाला ना चिंटू, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत से बैलून्स हैं। चिंटू आज तो कुछ नहीं करोगे ना, आज ईद है। ईद का दिन खुशियों का दिन होता है। तो क्या पता है चिंटू को ये खुशी की चीजें कर दे। हाँ ये तो है। साधु तुम जान के आवाज में बोलो कि अब इसी शो में बहुत कुछ बाकी है। जी अभी इसी शो में बहुत कुछ बाकी है। नहीं, ये भी बोलो ना कि अभी इस शो का स्टार्ट है। अभी तो हमने आपको ट्रेलर दिखाया है, मूवी अभी बाकी है। वो देख शुरू हो गए यार। देखो और सनी देखो ये खवातीन को। एक्सक्यूज मी, ये सारी ये गलती खवातीन को है, खवातीन से बड़ी खवातीन। अंकल हर जगह लड़ना शुरू हो जाते हो। चंदा भी आज तो आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इतने अच्छे नहीं ना लग रहे इसलिए जेलिस हो रहे, इसलिए हम लड़कियों को कुछ भी कहने का।
जैसे दुआ हमने सोचा था कि हम पूरे रमजान लड़ाई नहीं करेंगे, हम ईद पे भी लड़ाई नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा, सनी ने सही बात कही। पहली बार साधु ने अच्छी बात की है। नहीं, सनी ने अच्छी बात की है। सारा ये साधु ने। नहीं, सनी ने। साधु और सनी दोनों ने अच्छी बात की है। हाँ। सारा ये तो हमने भी प्रॉमिस किया था ना अपने व्यूवर्स से, प्यारे दोस्तों से, और हम वही कर रहे हैं। लेकिन आप सारे तो अपनी गपशप में ये भूल ही गए कि हमारे पास दो बेबीज चिंटू और दानी भी हैं। तो आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इनका सेट बहुत अच्छा लगा है। सेट नहीं, घर हमारा घर। हमारा घर है। घर अच्छा लग रहा है, लेकिन मीनाल और सारा नहीं अच्छी लग रही। सही बात है, सही बात है। चंदा आप क्या, ये सही बात है? नहीं, बुरी बात। ईद पे लड़ते नहीं है, ईद पे हम हर बंदे से दोस्ती करते, चाहे जिससे लड़ाई भी हुई हो। इसलिए अभी तो आप इन दोनों में बहुत इत्तेफाक देख रहे हैं। आगे आगे देखे होता है क्या। ताकि बालों की टेंशन ही ना रहे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दो जाना सही से बताना ये क्या बनाते हैं। ओहो, पीछे लड़ाई शुरू हो गई। नहीं नहीं, ये बहुत डेंजरस काम तो है। हम तो मजाक कर रहे हैं। मेरे अंदर ये भी सही पिंडन नहीं देखी। मैं फिर इंजी बोलनी है, फिर मैं इंजी बोल दी अंग्रेजी। बड़े पैड़े लगते हैं मैंने अंग्रेजी। मुचड़ा चुड़ा दे बोल देने पेड़। किचन में जब तक ठक ठक ना हो मजा कैसे आएगा? पता ही नहीं लगता कि खाना भी पकेगा। हमें बाहर जाने पे मजबूर मत करें आप। हम कुछ भूल रही है क्या? क्या हम ब्रेक से वापस आ गए हैं जी। दोस्ती ऐसा ना था जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है। लेकिन अभी इनके पीछे छुपी हुई कहानियाँ बताते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत कुछ है। सौरा कहते हैं ना, जिस घर में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती है ना, वहाँ पे प्यार भी होता है। देखो तुम लोग जो मर्जी करो, लड़कियों के बीच में लड़ाई नहीं करवा सकते। तो हम लड़कों के बीच में करवा सकते हैं। बस भाई, बस भाई, बस। हम तो बस एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए। और आप सीरियस ही होगे? इतना मौका है मिनाल, हमें आज एक अच्छा सा गाना ही नहीं सुना, ये हो नहीं सकता। अच्छा तो चलो फिर मैं दोस्ती के बारे में ही सुना देती हूँ, क्योंकि सारे दोस्त मिले हुए हैं। ये मैंने पहले भी गाया हुआ, लेकिन फिर भी। यारों यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। यारो यही दोस्ती है, चलो किस्मत से जो मिली है, यारो संग चलो सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। सारा हम फिर अलहदा हो गए। हमने पूरा महीना एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय किया है। वो तो पता ही चल रहा है। जी। तो हमने कहा आज हम एंजॉय ना करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन छोटी छोटी क्यूट क्यूट नोक झोंक भी हुई थी। जी, खट्टी मीठी सी नोक झोंक तो होती रहती है घर में। इसका तो मजा ही बहुत आता है। ये तो मीठी ही है, तो कुछ मीठा खाने को नहीं मिलेगा। हमारी मीठी मीठी बातें कम है जी, आपका पेट भर देंगी वो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, ये तो बातें की जा रही है। हमारी क्यूट सी दानी की बात देखो। दानी, इनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही। अच्छा ठीक है, हम मीठा भी खिला देंगे। तो नहीं ना आया आप हमारे साथ मस्ती करने आए हैं? आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने तैयार होने इतना टाइम लगा दिया, हमने कुछ बनाया ही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल नहीं है, हमने बहुत कुछ बनाया है। अच्छा, किधर है? हमें भी दिखाओ किधर है। दिखाओ। हम किचन में चलते हैं, जो कि हमारी फेवरेट प्लेस है। चलो सारा चलें। ए
एक मिनट एक चिंटू के नाना जान और नानी जान के घर ना बहुत बड़ी दावत है, तो नाना जान और नानी जान चिंटू का वेट कर रहे हैं, तो हम चिंटू को इजाजत दें। और मैं भी उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं वहाँ चीफ गेस्ट हूँ, प्लीज मुझे इजाजत दे। चीफ गेस्ट है तो फिर चंदा भी चिंटू को इजाजत दे देती है। हाँ ओके चिंटू, अल्लाह दोस्तों। चिंटू तो चला गया है लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं जाना हमारा शो देखे बगैर। जी क्योंकि इसमें बहुत से सरप्राइजेस और फन भी जी। और बहुत सा हल्ला गुल्ला। दोस्तों हम आपको एक मरतबा फिर कहते हैं ईद मुबारक। तो चंदा भी अब हम अंदर जाएं। सारा और मिनाल आप तो किचन में जा रहे थे। जी बाय। जगह पर है और इस जगह का नाम है बावर्ची खाना और हम हैं बावर्ची बच्चे। दोस्तों हम आपके लिए करते हैं कुकिंग और आपको सिखाते हैं कुकिंग टिप्स और सिखाते हैं मजे मजे की रेसिपीज। जी कि अगर आपकी अम्मी जान आपके घर में नहीं है तो आप वो चीजें बना सकें और अपने मेहमानों को पेश करें। जी और आज हम मिलकर बना रहे हैं आपके लिए मीठा मीठी सेवैया। जी तो आप लोगों ने जरूर देखना है और उसे ट्राई भी करना है और अपनी अम्मी जान को तंग नहीं करना बल्कि खुद बना के खा ली है ना। जी और दोस्तों आपको पता है कल रमजान का आखिरी रोजा था तो आपने अपनी अम्मी जान को तंग नहीं करना कि हमने बावर्ची बच्चे देखना है। आपने कहना है हमने बावर्ची बच्चे ईद स्पेशल शो देखना है। मीठी ईद की मीठी खुशियां बनाने के लिए आप तैयार हैं? जी आवाज नहीं आई। मिनाल और सारा जी कि तुम लोग बस बातें ही करी जा रहे हो। कुछ बना के भी खिलाओगे कि नहीं? पूरा, है ना दुआ? पूरा रमजान आ गया। आ जाओ ये देखो सिर्फ बातें कर रही हैं। बड़ा इजाफा हुआ है आप लोगों में। हाँ चलो चलो जल्दी से अब हमें बना के दिखाओ। अब हम अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसे आप? यकीनन ठीक होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मजा आ रहा है ना जायका टीवी के साथ ईद मनाने का? यकीनन बहुत मजा आ रहा होगा। हम जो है हम नहीं सनी और साबुन जो है बिल्कुल क्यों नहीं। एंजॉय ईद उल फितर विद जायका टीवी। थोड़ा रोक हो जाए अब। 1 2 3 स्टार्ट। लो जी डांस इस अवेदा फल खाया बेदम कुतिया नु छेदम बिल्लिया ना घेदम मिले बट किन्नी दे दग फिर फुल और तक चंगी शंगी वायु या वेलकम 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 प्यार तेरा फिर याद मेरी तू आने वाला कल या फिर बीता हुआ हो पल। जाने कैसी बातें तूने अखियों की डोर मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शोर मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ दिल है ये जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हसीन आफरीन आफरीन इधर के मिनाल इतना अच्छा गाना गा लेती है ना कितना प्यारा गाती है। थोड़ा रोक हो जाए अब। 1 2 3 स्टार्ट। लो जी डांस इस अवेदा फल खाया बेदम कुतिया नु छेदम बिल्लिया ना घेदम मिले बट किन्नी दे दग फिर फुल और तक चंगी शंगी वायु या मनी चंगी डायु या स्टैली स्टैंड में ने पायु या एनी ने लुटीना कोनी में ने कटा ओए बुबार आयु या लेकिन जो इनका स्टाइल था वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था।
तो हम अपने दोस्तों को वेलकम बैक करते हैं अपनी ई ट्रांसमिशन में और एक बार फिर से जी। तो दोस्तों हम सबको तो बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को भी मजा आ रहा है ना हमारे साथ? हमें यकीन है कि नहीं, मजा जरूर आ रहा होगा। जैसे हमें आ रहा है तो उन्हें भी आ ही रहा होगा क्योंकि हम किसी को बोर ही नहीं होने देते है ना सारा जी। हमारे पास इतने ज्यादा स्टॉल है, हमारा घर इतना बड़ा है, आप भी देख रहे थे। अपने घर की तारीफें हो जा रही है बार बार, तो जाहिर सी बात है ना। और इतना डेकोरेटेड भी तो है, देखा हम सारे भी। चलो हम उधर गेम कॉर्नर में चलते। चलो यार ईमान अपने स्टॉल की तरफ आ जाओ। मिनाल और सारा आप दोनों यहीं रहेंगे और हमारे दोस्तों के साथ बातें करेंगे। ओह हमारा फेवरेट काम। तो हम उन बच्चों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने सारा रमजान हमारे साथ गुजारा है? आप उनने उस इस बात को सुनकर पहचान ही गए कि वो बच्चे कौन हैं? वो हैं बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन से। दोस्तों उन्होंने किया सामना करके भी दिखाया और साबित भी किया कि वो है असली बावर्ची बच्चे और उनके हाथ में है जायका, कुछ खाने का कुछ पकाने का। तो आप उन दोस्तों को वेलकम ना कर लें। जी तो दोस्तों अब हम वेलकम करते हैं बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन के कंटेस्टेंट्स को। जी वेलकम करें, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं, वो तो हमारे शो की जान है। अच्छा चलते हैं, बाय रश लगा होगा आज। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा हमारे कितने सारे मेहमान आ गए हैं जी। सारा और मैंने और सारे ने तो इनसे खूब सारी बातें की भी हैं। अब बारी है इन सब की। आप हमने आपसे बातें की हुई हैं? यस यस की हुई है। अब ये दोनों आपसे बातें नहीं करेंगे, अब हम आपसे अब हमारी बारी है क्योंकि आज हमें मौका मिल रहा है आप सबसे मिलने का और आप सबको जानने का। जान चुके हैं, इतना शो देखे हमने लेकिन अब आप और मिनाल वो स्टॉल संभाले और दुआ और आयमा आप इधर आ जाएं। ठीक और है आप भी स्टॉल संभालना। चलो 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 बहुत ज्यादा काम। और मिनाल आप भी हमारे साथ आ जाओ और इनसे बातें करो। दोस्तों आप लोग इनसे मिल ही चुके होंगे बावर्ची बच्चे में और ये हैं वो बच्चे जिन्होंने बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन में पार्टिसिपेट किया। तो आए इनसे बात करते। चलिए आए इनसे पूछते हैं और इनसे ये भी पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल क्यों नहीं, हमने भी जानना है और हमारे व्यूअर्स ने भी कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और हर राउंड का सामना किस टेक्निक से किया और तो, कैसे किया। हाँ बिल्कुल, तो आए चलते हैं। अच्छा आपकी ईद कैसे गुजर रही है? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। जायका टीवी और बावर्ची बच्चे का बहुत अच्छा मौका, यहाँ पे सारे जायका टीवी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके सारे बच्चे यहाँ पे टीम जमा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है हमसे मिलके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, टीवी एक्टर से मिला मेरा एक ड्रीम है और मुझे बहुत खुश हूँ। सबसे ज्यादा मिलके किससे खुश हो? चंदापी से, सनी से, आयमा से या हम सबसे? किससे सबसे ज्यादा? अरे भाई गायब हो गए। किससे मिलके अच्छा लग रहा है? सबसे ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। चलो फिर आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी तक तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे उम्मीद है कि वक्त आने तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ, बहुत मजे करूंगा और बहुत खेलूंगा। अच्छा आप हमें कोई मजे का वाक्य सुनाएं जब आप बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन कर रहे थे। बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन में पहले राउंड में वो हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे, ठीक है। तो फिर मैं और मेरे दो दोस्त अभी यहीं पे एक बैठा हुआ, ठीक है, उसके साथ हम ड्रम बजाते हुए गए थे और फिर उन्होंने हमें आने दिया था और फिर हम वाओ सो गुड यार। आप ड्रम बजा लेते हैं? हाँ जी। वेरी गुड, मतलब ये भी सीख लिया है, वेरी गुड। चलो आप ही को दो अब माइक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपका बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन में कैसा एक्सपीरियंस था, कोई अच्छा सा वाक्य? मेरा सबसे अच्छा वाक्य था कि मेरी डिश जो थी वो 15 मिनट्स में तैयार हो गई थी। यानी आप लोगों ने जस्ट 15 मिनट्स में डिश तैयार करनी थी? जी यार, इन सब के लिए इस बात पर तो क्लैपिंग होनी चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग।
ईद का दिन है, इतना सैड क्यों? स्माइल, खुश हो जाओ और हमें एक जल्दी से अच्छा सा गाना सुना दो। सुबह मुबारक का। हाँ सुना दो सुबह मुबारक का। चिन चिन चिड़िया चहकी, किन किन किरने जागी, लगता है कि हुई है सुबह। बिल्कुल। वैसे सुबह मुबारक की बात हो रही है तो मैं क्यों ना आऊं? हाँ, तो हो नहीं सकता सुबह मुबारक की बात हो और दुआ ना हो वहाँ? क्योंकि दुआ सुबह मुबारक का एक बहुत भरा हिस्सा है। बिल्कुल। चंदा अभी मैं भी एक क्वेश्चन कर लूं? बिल्कुल क्यों नहीं दुआ, मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ क्योंकि ये अपनी साड़ी में बहुत क्यूट लग रही है। माशाल्लाह, अपनी साड़ी हमें भी तो दिखाए ना। कितनी प्यारी लग रही है। सबसे ज्यादा ईद की खुशी तो इनको है ना? बिल्कुल क्यों नहीं। आप बताएं कि आपका सबसे अच्छा मोमेंट बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन में कौन सा था? मेरा सबसे अच्छा मोमेंट बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन में ये था कि जब मैं पहली दफा कैमरे का सामना मैंने किया था। ओ अच्छा, चलो आप बैठ जाओ, उसको थका दोगी दुआ। तो ये है इशाल। इशाल आप तो बहुत क्यूट लग रही हैं और हमने ये भी सुना है कि आप गाना भी गा लेती हैं, तो प्लीज आप हमारे लिए कोई गाना नहीं गाएंगी? ठीक है। ये इशाल, तू भूल गया है याद मेरी, वो प्यार तेरा फिर याद मेरी, तू आने या फिर बीता हुआ हो पल, हर सांस अधूरी है, हर लम्हा ये दूरी है। कितना अच्छा गाया है। बहुत प्यारा गाया। बहुत प्यारा गाया। थैंक यू। यू वेलकम। चलो अब आप आगे माइक पास करो। अब मैं कोई क्वेश्चन करना चाहूँगा। अच्छा आपके भाई है ना? जी। आप दोनों की मेरे टीवी में बहुत नोकझोंक देखी है। जी कभी कभी मैं और मेरा भाई अक्सर लड़ने लग जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब सुलह कर लेते हैं आप जल्दी? जी। तो पहले कौन सुलह करता है? पहले मैं सुलह करता। लेकिन लड़ता कौन है पहले ये तो? पहले हमें कोई डेमो तो दिखाएं कैसे लड़े जाते हैं। एक छोटी सी स्केट करके दिखाएं। हाँ थोड़ा सा लड़के दिखाएं कैसे कैसे। मुझे सबसे पहले अनस छेड़ना शुरू करता है ऐसे, जैसे कि अब समझ रहे हैं। मैं एक सिचुएशन देती हूँ, अब इस पे आपने मुझे दिखाना है कि कैसे लड़ोगे। जैसे अनस ने आपका खाना खा लिया, आपका फेवरेट खाना बना था जो उसने ख़त्म कर दिया, तो अब आप क्या करोगे उसके साथ, क्या करोगे, कैसे लड़ोगे? अनस मेरी यहाँ पे बिरयानी की प्लेट पड़ी हुई थी, वो अब मुझे खाली दिख रही है, क्या वजह है? मैंने तो कोई बिरयानी की प्लेट नहीं देखी, मुझे नज़र भी नहीं आई कोई बिरयानी पकी भी नहीं हुई थी। अनस थोड़ा गौर करो, आपके लिप्स में भी बिरयानी लगी हुई है। नहीं मेरे लिप्स तो साफ है। मैं बाबा को बताऊंगा, आपने मेरी सारी बिरयानी खा ली, वो मामा ने स्पेशल मेरे लिए बनाई थी। जाओ बताओ मैंने क्या किया, मैंने खाई नहीं है। मैं अभी बाबा को फोन करता हूं। जाओ करो। ये बदतमीजी ना करो आप मेरे साथ। आप छोटे हो ना छोटे ही रहो, चुप करके बैठ जाओ। मैं छोटा हूँ इसीलिए आपकी इज्जत करता हूँ। बाबा मेरी बात। अच्छा बस बस, कितना लड़ रहे हैं ये लोग। ये लोग आयम और सनी की तरह ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल ये दोनों भी बहुत लड़ते हैं। तो चंदा आप इनसे भी कुछ करवाते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, ये तो हर टाइम दोनों लड़ते ही रहते हैं और मुझे इनकी लड़ाई सॉल्व करवानी पड़ती है। चलो अब आप दोनों भी हमें कोई नोक झोंक करके दिखाओ थोड़ी सी। कोई सिचुएशन है? आयमा ने आपकी शिकायत लगा दी है, जैसे आयमा है ही शिकायत, मतलब तो उसने शिकायत लगा दी है बाबा को, अब क्या करोगे? ठीक है चलो देखते हैं। मेरी शिकायत कैसे लगाई है? दो तुमने लगाई है ना? नहीं 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 आई, यही शिकायत है। इधर मुड़ो, साथ ही उधर कर लिया ना। क्या तुमने शिकायत लगाई है ना मेरे बाबा को? नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। आइंदा के अल्लाह की कसम सुनी। अच्छा 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 बस, देखा देखा दुआ, ये असल में शुरू हो जाते हैं लड़ना। उफ बस कर दो तुम दोनों, ये दोनों कितना लड़ते हैं ना, है ना? उफ अल्लाह। अच्छा तो दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं समझना कि ये असल में लड़ रहे हैं, बहन भाइयों में तो नोकझोंक होती रहती है, आई एम श्योर आप लोगों में भी होती होगी, सबके बहन भाई हैं तो सब आपस में नोकझोंक करते ही होंगे, क्यों ऐसा ही है ना? ऐसा ही है।
चलें दोस्तों, तो हम अपने बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन के कुछ क्लिप्स देखें। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिबा। हिबा, खाना पका लेते हो? जी, मैं सारा कुछ पका लेती हूँ। अच्छा, तो लास्ट क्या पकाया था आपने अपने? मैंने केक बनाया था। मैंने कबाब बनाए हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? I have no idea. अगर हम आपको एक सिचुएशन दें तो आप उस पर एक्ट कर सकते हो? जी। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो? एक्टिंग मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी कर सकती हूँ। लोग कहते हैं क्या है गुड इन एक्टिंग। यार मैं डांस देखना चाहता हूँ, मतलब अभी कोई इतना कॉन्फिडेंट बच्चा भी तो हो कि जो हमें बताए कि बावर्ची मतलब उससे गाने बहुत थे, उससे भी बहुत थे, तो अब मैं आप कैसे? थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा बस। शक्कर बंडा का बता दें क्योंकि वो एक ही स्टेप आपको भी बता दें। शक्कर बंडा रे, शक्कर बंडा रे, मेरा पिया मुझसे मिलने आया। माय प्रॉब्लम इज दिस इज अ कुकिंग शो एंड आई नो दैट दे हैव टू एंटरटेन, एंटरटेनमेंट का एक एलिमेंट बहुत जरूरी है, बट यस शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू मच इन कुकिंग, लाइक दैट इज माय कंसर्न। What do you want to be when you grow up? I want to be a doctor. But you're so interested in cooking. Why don't you become a chef? So what do you guys think? Manal, do you have any questions for her? Anda aata banana? Ji. Kaise banta hai anda? Half fry ya dusra wala? Mera khayal hai aisa technical sawal humse abhi tak kisi ne nahi kiya. Ha, bilkul. Ek mauka de dete hain. ये बताइए कि आपके सामने इस वक्त क्या पड़ा? पोटैटो। कभी सैंडविच बनाया है? जी। तो भरोसा है खुद पे, बना लेंगी? जी। अब ब्रेड का अंदर वाला हिस्सा हमें निकाल कर आपने दिखाना है। ठीक है। चलो शाबाश, अब आप हमें करके दिखाओ। आपको क्या लगता है, आप सिलेक्ट हो गई हो? आप हमारे अगले राउंड में क्वालिफाई कर गए, कांग्रेचुलेशन। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था। तो आप लोग एक दफा नारा लगा के दिखाएं। करो सामना, करके दिखाओ, साबित करो। बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन। ये हूँ मीनाल, बल्कि शेफ मीनाल। और मैं हूँ सारा, बल्कि शेफ सारा। और ये है सारा का सारा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बावर्ची बच्चे ईद स्पेशल, और आज हम ईद के मौके पर बनाएंगे कुछ खट्टी मीठी डिशेस। लेकिन उससे पहले सुनेंगे मेरा जोक। वो क्या? एक फादर थे, उसके अपने बच्चे से पूछा कि तुमने कॉलेज के 3 सालों में क्या किया? उसने बोला, मैंने माचिस की तीलियां जलाई। मीनाल, तुम्हें मेरे जोक पे हंसी नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा जोक बहुत फीका था। मेरा जोक फीका नहीं होता। आप किचन में क्या कर रहे हैं? निकली यहाँ से। वो तो हम बस खाना बना रहे दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना, हम कितना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और हमारे दोस्तों को बहुत मजा भी आ रहा होगा हमारे साथ। आ रहा होगा हमारे साथ, सबको मजा आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Enjoy Eid al-Fitr with Zaytabi। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। और एक दफा फिर आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। तो चले दोस्तों, अब हम लोग खेलेंगे डांसिंग स्टैचू। सबने खेलना है। ओके एवरीबॉडी, ओके जोश से, ओके okay.
तरफ जाओ, जाओ मेरे भाइयों, जाओ सबको। ये भी हंस गया तू यार। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ रयान, शेरी, हम डांसिंग स्टैचू खेलेंगे। तो चले दोस्तों, अब हम लोग खेलेंगे डांसिंग स्टैचू। सबने खेलना है। ओके एवरीबॉडी, ओके जोश से। तो सारे तैयार हैं? अब हम खेलेंगे डांसिंग स्टैचू। भाई आप सबको हंसाएंगे और मैं देखूंगी कौन पहले हंसता है। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो गाना चलवाते हैं, गाना लगाएं। मुश्किल तुम जगह आपने बड़ी पक्की यार ये आती थी मुझे बल्ले बल्ले पे डांस कर रहा था। बस बढ़िया, बस बढ़िया, बस बढ़िया, ठीक है, बस बढ़िया, ठीक है। वेरी इंपेशेंट है वो, तो सी जा रही है पहले से, वो पहले से सी जा रही है यार। हम चंदापे के पास खड़े हो जाते हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ सब मेरे पास आ जाओ। स्टॉप, चलो मेरे दोनों भाइयों आगे, हमारी बारी।
ये क्या पैदा जो चेरी बड़ा हुआ है। वो बच्ची आंखें बंद कर लेती है हर बार। और वो क्या कह रही है? इसको देखते हैं, इधर जाके हंसाओ। रयान अब तुम्हारी बारी, इधर अब आप इधर जाके नहीं ऐसी थी। गलत बात नहीं ऐसी। अच्छा मैं हूँ सारा। वो पहले हंस रहे हैं। ब्लू ब्लू बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बहुत हंस रहे हो सारा मोटी। ये है सारा का सारा। चलो मेरे दोस्तों अब सारे बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे। ये सारा जगह पे जाके बैठ जाए। अच्छा बस ठीक है, बस बस चलो अब सब बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे जाके। सारे बैठ जाए और मैं विनर अनाउंस करूंगी। इस गेम की विनर है रिजा और इशाल। चलो खड़े हो जाओ, जो जो जीते हैं इधर आ जाओ मेरे पास दोनों। तो ये दोनों हमारी विनर्स। क्लैपिंग फॉर देम। हम रोज आपको जान का गिफ्ट हैंपर देते हैं, इस बार आपको चंदा भी कुछ देंगी। चंदा भी इनको अपनी अपनी एक एडवाइस दे दे। हाँ ये सबसे अच्छा। कभी भी बहन भाइयों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना? कभी भी नहीं, क्योंकि बड़ी बहन होने का बहुत नुकसान होता है। मुझे इन सबको बस समझाना ही होता है। मैं आपको भी समझाऊंगी। चलो बस दादा सेंटी भाई, तुम यहाँ पे चंदा का रूप धार लिया तुमने। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम अभी वापस आ रहे हैं। तो देखते रहिए जायका टीवी की स्पेशली ट्रांसमिशन। एंजॉय ईद उल फितर विद जायका टीवी। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये हमारा ईद का शो एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे साथ ईद की खुशियाँ भी मना रहे होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा शो ही इतना अच्छा है। एक्सक्यूज मी, ये मेरी लाइन थी, मेरी लाइन में इंटरफेयर कर रहे हैं। शायद आप भूल गए, ये मेरी लाइन थी। ओहो, तुम लोगों को तो बोलना भी नहीं आता, मैं बोल के दिखाता हूँ। तो सिक्की मेरा लाया है की शोर शराबा पाया है। साढ़े बगैर भी कोई मिला सच सकता है? ये डिजर्विंग बच्चों का ईदी बॉक्स। मेरे तो ज्यादा आईडी किन्नू जरूरत होएगी। लेकिन जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये हमारा ईद का शो एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे साथ ईद की खुशियाँ भी मना रहे होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा शो ही इतना अच्छा है। एक्सक्यूज मी, ये मेरी लाइन थी, मेरी लाइन में इंटरफेयर कर रहे हैं। शायद आप भूल गए, ये मेरी लाइन थी। ओहो, तुम लोगों को तो बोलना भी नहीं आता, मैं बोल के दिखाता हूँ। ओ आपसे चाह हम बोलते हैं और अभी हम खड़े हैं, आप बीच में हमारे क्यों आ रहे हैं? तो लड़ रहे हो।
खड़ा हो जा, चल 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 जल्दी खड़ा हो जाना। आती चल, ओ उतार जल्दी उतार जल्दी। वैसे इतनी महंगी घड़ी कितों ली है? मेरी अपनी है। चल उतार जल्दी उतार जल्दी उतार। स्कूल का है तेरे को? स्कूल जल्दी को नहीं है। मेरे तो ज्यादा आईडी किन्नू जरूरत होएगी। लेकिन स्टॉल्स पर चलते हैं। हम हमारे पहले स्टॉल पर हैं, जो है प्यारी प्यारी चूड़ियां। देखो दुआ, आपने कितनी चूड़ियां चढ़ा दी हैं सब बच्चियों को। मैंने बहुत सारी बच्चियों को चूड़ियां चढ़ाई हैं। बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियां आपने दी उन्हें। जो उनको पसंद आती है मैं उनको भी देती हूँ। मुझे भी चढ़ा, मुझे भी बहुत अच्छा। ठीक है, आपके साथ ये वाली मैच करेगी है ना सारा? हाँ ये वाली। आपको कैसे पता? अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं आप कौन सी नेल पेंट लगाएंगे? देखिए मैंने कितनी अच्छी लगाई है। और मैंने भी बहुत प्यारी लगाई है। जी तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने स्टॉल्स की तरफ, और हमारे जो ये दोस्त बैठे हैं वो जाएंगे गेम कॉर्नर की तरफ। तो शेरी और रयान उनको लेके जाओ। चलें तो दोस्तों हम अपने स्टॉल्स पर चलते हैं। हम हमारे पहले स्टॉल पर हैं, जो है प्यारी प्यारी चूड़ियां। देखो तू, आपने कितनी चूड़ियां चढ़ा दी हैं सब बच्चियों को। मैंने बहुत सारी बच्चियों को चूड़ियां चढ़ाई हैं। बहुत
प्यारी प्यारी चूड़ियां आपने दी उन्हें। जो उनको पसंद आती है मैं उनको भी देती हूँ। चलो मुझे भी चुराए, मुझे भी बहुत ठीक है। आपके साथ ये वाली मैच करेगी है ना सारा? हाँ ये वाली। आपको कैसे पता? क्योंकि आपका ड्रेस की कलर ही वैसा और चन्ना भी आपके साथ रेड। थैंक यू, आप इतनी प्यारी हो और इतनी प्यारी चूड़ियां दी मुझे। थैंक यू सो मच। देखो सारा तो अभी से पहनना शुरू हो गई है। प्यारी लगी होंगी ना सारा को? हाँ मुझे बहुत वो आप पहनाओ ना, उसको समझ नहीं आएगी कैसे पहननी है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। चलो आओ सारा, अब हम चलते हैं मेहंदी कॉर्नर पे। बाद में हम ये सारी चूड़ियां पहन के जाती होंगी। अब आप इनको चूड़ियां पहनाओ और हम मेहंदी कॉर्नर से देखो क्या है। ठीक है ठीक है सारा। ओ, ये मेहंदी कौन है? ये है। वाओ इतनी प्यारी मिनाल, इतनी प्यारी मेहंदी लगाती हो, मुझे भी लगा दो प्लीज। लगा दो अभी नहीं बाद में। कितने बच्चों को इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी? अभी मैंने इनको लगाई, अब इनको लगा रही हूँ, फिर इन दोनों को भी लगा दूंगी। अच्छा मैं भी लगाऊंगी। वाह मिनाल तुम तो हर चीज में बहुत अच्छी हो, खाना भी इतना मजे का बनाती हो और मेहंदी भी इतनी प्यारी। थैंक यू, आपको बाद में लगाऊंगी, आपने मेरे साथ ही तो रहना है। गाना तो आप बहुत ही अच्छा गाती हैं। थैंक यू। और आप डांस भी तो अच्छा करती हैं। वो तो अभी पता चलेगा। डांस में तीसरे दिन करूंगी। ओके हम वेट करेंगे। चलो आप सबको मेहंदी लगाओ, हम अपने नेल कॉर्नर से होके आते हैं। चले मुबारक। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं आप कौन सी नेल पेंट लगाएंगे? देखिए मैंने कितनी अच्छी लगाई है और मैंने भी बहुत प्यारी लगाई है। कितनी प्यारी लगाई हुई है आपने, नेल पेंट भी बहुत प्यारी लगाई है और मेहंदी भी बहुत प्यारी है। और ये मेहंदी भी मैंने खुद लगाई है, बहुत प्यारी है। और इधर नेल कलर्स भी बहुत प्यारे हैं, मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी करवा लूँ नेल आर्ट। लेकिन आप तो मेरे साथ ही है ना, आप बाद में करवा लीजिए। हाँ मैं आईमा बाद में करवाऊंगी। तुम डन हो गया? वाओ ये रॉयल पुशी कितना प्यारा है। आओ हम अपने कपड़ों वाले कॉर्नर में भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। वाओ प्यारे प्यारे कपड़े हैं। और ये देखो साड़ी कितनी प्यारी है। हाँ जी हमारे पास साड़ी में हमारे पास सारी वैरायटी है, तो आप कौन सा ड्रेस लेना चाहेंगे? मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी कपड़े चेंज कर लूं। आप देखिए हमारे पास दो सेम ड्रेसेस भी हैं, आप दोनों वो भी पहन सकते हैं। बल्कि मैं कल पहनूंगी ये कपड़े, बहुत प्यारे हैं। प्यारे कितने की प्राइस क्या है इसकी? आज ईद है तो मैं आपको फ्री के दे दूंगी। ये आपके लिए। देखा दोस्तों कितने मजे मजे के स्टॉल लगे हुए हैं और कितने प्यारे कपड़े हैं, और हमारे उधर दोस्त सारे खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। और ईद की खुशी के साथ साथ हमारे पास एक और खुशी भी है, गेस करें वो क्या है? बताओ बताओ है। क्या है? सरप्राइज है, हमारी सारा की बर्थडे है। तो चले हम अपने सारा के लिए केक लेकर आते हैं। तो चले हम केक कटिंग करें। सारा पकड़ो। हाँ मिला तो मेरे साथ पकड़ सब पकड़ ले। बर्थडे टू देखो हम सारा को खिलाएंगे सब मिलके। सारा हैप्पी बर्थडे। आओ सारा की हैप्पी बर्थडे करें। यार बस बस बस। तो दोस्तों हमारा हल्ला गुल्ला तो चलता ही रहेगा। उनके सेट पे सबसे मजे की चीज कौन सी हुई थी? तो सुबह मुबारक के सेट पे सबसे मजे की चीज आप सबको कौन सी याद है?
दोस्तों आपको जायका टीवी के साथ ईद का मजा आ रहा है ना? देखना मत भूलिए, मत भूलिएगा। देखते ही हैं। अब आप सब हमारी शरारतें देखें जो हम बिहाइंड द कैमरा करते हैं। तो चले हम सब शोज के क्लिप्स देखें। खबरदार, इधर अब मैंने आपको उन दोनों के साथ से खाओ। क्या तू अच्छा। इसी तरह वो बच्चा चाहता है। खिड़की है बाहर देखा, एक बड़ा सा देवहिकल, बड़े बड़े दांत बाहर निकाले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सारा, बल्कि शेफ सारा। आप लोगों में क्या खाना पसंद करते हैं इफ्तारी में? कुछ भी मिल जाए फिलहाल। आप कौन सा एक्ट बताएंगी? दोस्तों आज है तीसरा अर्शिया। अर्शिया बोल रही है। तुम सही तो बोलती हो। रामनगर भी रोने लग गए हमें देख। हम हैं बच्चे सबसे अच्छे। दोस्तों अब हम बारी बारी सबसे पूछते हैं उनके सेट पे सबसे मजे की चीज कौन सी हुई थी। तो सुबह मुबारक के सेट पे सबसे मजे की चीज आप सबको कौन सी याद है? ये हमारी डायरेक्टर को हमेशा बोलती है, नहीं आप मतलब करना क्या चाहती है, ये मुझे एक तो बताएं ना करना क्या चाहती है। और हम आप एक दूसरे को बैट मार रहे होते हैं और पता नहीं। हाँ और हाँ याद है तुम दोनों की लड़ाई इंडिया में एक दूसरे को बैट मार रहा। अच्छा अच्छा बस अब हम अगर बैट मारते ही एक दूसरे को फिर भी यहाँ खड़े हैं। अच्छा बस अब हम पूछेंगे बावर्ची बच्चों में क्या करते थे ये लोग। हम लोग बड़ी चीजें जलाते थे एक दूसरे। मैंने तो कभी कुछ नहीं जलाया। अच्छा नहीं गिनने वाला सबसे मजे का एक दफा क्या हुआ? सारा सीधे से गिर गई थी। सारा सीधे से गिर गई थी सारा। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं नहीं ऊपर से आ रहे थे जल्दियों में थे क्योंकि हमारा शो स्टार्ट हो गया था, हम लेट हो गए थे तो सारा गिर गई। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी, मैं इतना ज्यादा हंसी। फिर मैंने ये भी कहा अच्छा आप लोग भी बता दें आपके सेट में क्या हुआ था। केक वाला वाक्या जो जो दानी की बर्थडे पे बॉय ने केक फाड़ा था वो तेरे का याद है? सीधे पहले याद है। और हमारे डायरेक्टर साहब थे ऐसे
नकाब में ऐसे थे और नहीं जब वो याद है याद है वो जब कुछ नहीं हो सकता याद है वो सीरियस हो गया याद है जब उसने ग्लास तोड़े थे और डायरेक्टर साहब का मुंह यूं हो गया था हाँ तब एक देख ले हमारे सेट पर हम पागलों की तरह हंस रहे थे हमेशा ही पागलों की तरह हंसते थे हमारे सेट पे कोई भी सीरियस मोमेंट होते थे कुछ भी सारे बड़े सड़े होते थे लेकिन हम लोग अपनी हंसी एक शहरी भाई हमारे ऐसे होते थे ये कभी जिंदगी में सीरियस नहीं हुए और ये आपको कभी सीरियस नहीं मिलेंगे तो बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन वन में आप लोगों के सेट पे क्या क्या हुआ कोई फन का कोई फन वाला किस्सा कोई सुनाओ एक्सपीरियंस किसी की कोई मजे की स्टोरी हो जैसे हमारी इतनी सारी आप लोगों ने सुनी है तो अब आप लोग भी सुनाओ अपनी मैं इतना एक्साइटेड था कि जब मैं आया था मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे इंग्रेडिएंट्स ऊपर रह गए फिर मैं जल्दी जल्दी ऊपर तो फिर आपने डिश कैसे बनाई तो मुझे जल्दी जल्दी ऊपर जाना पड़ा और भागा भागा वापस आया दिस इज वेरी बैड आपका टाइम भी वेस्ट हुआ होगा कितना लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी डिश कंप्लीट कर और किसी बच्चे को याद है और किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा काम हुआ है हर एक बच्चे के साथ कोई ना कोई पहले दिन हमारा वो हम लोग जब खाना बनाने का हमारा पहला दिन आया था तो मेरी और एक बच्चे की किचन की लड़ाई हो गई थी कि किसने फ्रंट पे खड़े होना किसने बैक पे होना ये बच्चे लड़ते हैं ये हमारी मिनाल और सारा ये भी चंदा भी आपको पता है मैंने और सारा ने इनको इतनी मुश्किल से समझाया बस चुप ही नहीं हो रहे थे ये तो मारने पे और किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ था अच्छा मेरे साथ एक कॉन्टेस्टेंट थी सेट पे उसके जो थे ना केक जल गया था और वो उसी टाइम रोने लग गई और उधर से भाग गई चलो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आपको देगी दुआ दुआ तो अनाउंसमेंट ये है तुम लोग चुप तो हो जाओ तुम लोग चुप होगे तो मैं बोलूंगी ना दोस्तों हम आपको मिलवाएंगे हमारे एक ऐसे दोस्त से जिनके बगैर जायका टीवी के सारे शो अधूरे हैं जी और वो है जायका टीवी की जान रहेगा और एक बार फिर चंदापी आपने देखा है ना हमारे कितने सारे गेस्ट आ गए हैं तो आप क्या बातें करेंगे वो देखो पहले हमारा शेरी सबको बिठा तो दे उसको यार चेयर पे बिठाओ यार हम इनसे ये पूछें कि इनको चंदादारे में कौन अच्छा लगता है सुबह मुबारक में ये वो सब पूछें कान टूटी अंदर से ये आवाज नहीं जानी हम इनसे ये सब पूछें कि इनको चंदादारे में कौन अच्छा बारी-बारी सबसे पूछेंगे एक मिनट